नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। देखिए, आज मैं क्लास सिक्स का साइंस में लेसन थ्री को क्वेश्चन से करवा रहे हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन जी नंबर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आप फर्स्ट नंबर में पढ़ेंगे डिफरेंटिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इन दो क्वेश्चन हैं और इन दोनों क्वेश्चन को डिफरेंटिएट बताना है, अंतर बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इसके बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर डलवा दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसमें नीचे देख लेंगे, ठीक है। दोनों ग्राफ बना करके दोनों साइड, एक साइड में आप प्योर सब्सटेंस और दूसरे साइड में मिक्सचर को लेकर के और दिखाया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड को मैं लिखवाया हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर में अंतर, ठीक है। इसके बारे में मैं लिखवाया हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक ऐसा वस्तु है जो कैनॉट बी सीन बाई नेकेड आई, जो मेरी आँख इसे देख नहीं सकती, ठीक है। यह जो कंपोनेंट्स है होमोजीनियस मिक्सचर, जब ये वस्तु में मिल जाती है तो मेरी आँखें इसे देख नहीं सकती। जैसे एग्जाम्पल के दिखाऊँ, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जब नमक और पानी दोनों एक ही मिला दिया जाता है तो मेरी आंखें उसे देख नहीं पाती, ठीक है। इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए हाइड्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ये मेरी आंखें इसे देख सकती हैं। यह एक ऐसा मिक्सचर है जिसे मेरी आंखें देख सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट एंड आयरन फिगर, ठीक है। यह हाइड्रोजीनियस मिक्सचर हमारी आंखें देख लेती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम के माध्यम से, आपको इसमें दिखाना है फिल्ट्रेशन के बारे में। द प्रोसेस बाई विच, यानी ऐसी प्रक्रिया, टू सब्सटेंसेस, जो दो वस्तुएं और सेपरेटेड, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो वस्तुएं मिली हो और दोनों वस्तुओं को अलग किया जाता हो, बाई पॉसिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टरिंग के माध्यम से, डिवाइस इज कॉल्ड और फिल्ट्रेशन, उसी को हम फिल्ट्रेशन क्रिया कहते हैं। आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये फिगर, ये फिल्ट्रेशन बना हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ आपकी बुक पर, पेज नंबर जो है 37 पेज नंबर पे आप ऊपर जो है फिल्ट्रेशन का फिगर बनाया हुआ है, आप उसमें से भी लिख सकते हैं या फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन को ही कंप्लीट कराया हूँ और इसके नेक्स्ट में मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।